स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेगास्पोरम जेनेसिस जो है वो कैसे होती है। तो लेट अस बिगिन। इससे पहले आगे टॉपिक स्टार्ट करें, अब जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ फीमेल्स के अंदर कैपेसिटी नहीं होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, ठीक वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल्स होते हैं जो फीमेल पार्ट जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो दैट स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड एज ए पिस्टिल, ठीक है। नाउ ऑन द टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस, द वर्ड इंडिकेट मेगा मीन्स द लार्जर गैमेट, यानी कि फीमेल गैमेट की जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की वो स्टार्ट हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर, हैप्लॉइड इसलिए बोला है कि जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है मेगास्पोर का वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू द हैप्लॉइड, यानी कि एनिमल, ठीक है। और ये फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, न्यूसिलस का जो रीजन है, यानी कि अगर हम देखें ये वाला जो रीजन है न्यूसिलस का, इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट है इधर वाला, ठीक है। तो जो इसका पार्ट होता है यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं प्राइमोडियल रीजन ऑफ आर्किगोनियल स्पोर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट होती है डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल स्ट्रक्चर, यानी कि एम्ब्रियो सेल जो पूरा दिख रहा है आपको, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ पे पेन की डायरेक्शन है यहाँ से स्टार्ट होता है ये बनना, ठीक है। हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से इसकी फॉर्मेशन होगी एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए मेगास्पोरोजेनेसिस। ये देखिए क्लियर है इसमें, इन द माइक्रोपायर रीजन द न्यूसिलस कंटेन सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि वो न्यूक्लियस जिसके अंदर कैपेसिटी है कि वो डिवाइड कर सके। और ये जो ओवरऑल कंबाइन अगर हम वर्ड इसको देना चाहें तो हम इसको नाम देंगे इसका स्पोरोजेनियस टिश्यू या स्पोरोजेनियस सेल, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मियोसिस करेगा, पहले मियोसिस करेगा फिर माइटोसिस करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो लिखा है कि पहले फर्स्ट डिवीजन होगी, उसके अंदर दो सेल्स बनेंगे जिसको डायड बोलते हैं, जैसे कि एक सिंगल सेल डिवाइड करके ये दो सेल बनाते हैं, दिस टू सेल इज कॉल्ड एज ए डायड। देन अगेन डिवाइड ट्रांसवर्सली, दोबारा डिवाइड करेगा और उसके बाद फोर सेल्स बनाएगा इस तरीके से। अभी फोर कलेक्शन जो है काउंट 1, 2, 3, 4, इन फोर सेल्स को हम लोग नाम दे देंगे लीनियर टेट्राड या मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। अब इन सभी डिवीज़न के बाद जब होती है तो ये तीन चारों के चारों फंक्शनल नहीं होते, इन तीनों में से चारों में से सॉरी कोई एक एक्टिव होगा, बाकी तीन डीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि न्यूसिलस इतना फूड प्रोवाइड नहीं कर पाता कि चारों को ये डेवलप करवा सके इनटू द ओवूल और वी कैन से इनटू द एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो उसमें है आउट ऑफ दिस फोर मेगास्पोर ओनली वन रिमेन फंक्शनल वाई द अदर थ्री डीजनरेट, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। एक फंक्शनल बचता है, यानी कि यहाँ पे चार थे, चार में से एक बच गया, तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज ए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। बिकॉज रीज़न क्या दे रखा है इसका कि भी एक मेगास्पोर मदर सेल बचा, बाकी सारे के सारे क्या हो गए डीजनरेट, ठीक है। अब मेगा गैमेटोजेनेसिस, ये था स्पोरोजेनेसिस की एक सिंगल जो एक्टिव मेगास्पोर मदर सेल है वो कैसे बना। नेक्स्ट है मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि सिंगल जो यहाँ पे हमारा मदर सेल बचा है उससे एग सेल कैसे बनेगा, पोलर न्यूक्लियाई कैसे बनेगा, एंटीबॉडल सेल कैसे बनेगा और सिनर्जिड कैसे बनेगा, यानी कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ दिस एम्ब्रियो सेल। इसमें देखें आपको एक एग सेल है, दो सिनर्जिड सेल्स हैं यहाँ पे ऊपर या तीन एंटीबॉडल सेल, तो ये पूरा कैसे बनेगा उसकी जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है मेगा गैमेटोजेनेसिस की, इनिशिएशन सेल यानी कि जैसे ही इनिशिएट होता है, जो ये सिंगल सेल है ये इनिशिएटेड सेल कहलाएगा, इसका इनिशियल सेल जिससे प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें तो इसमें लिखा है कि मेगास्पोर इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, ये सिंगल सेल है, पहला सेल है जिससे कि डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। द मेगास्पोर इंक्रीज इन साइज एंड इट्स न्यूक्लियर डिवाइड्स, अपने साइज को इंक्रीज करेगा, डिवाइड करेगा, यहाँ पर डिवीजन पॉइंट नोट करने का है, ये होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। डिफरेंट टाइप के डिवीजन हम लोगों ने की थी 11th स्टैंडर्ड के अंदर, हेलोबियल भी था उसके अंदर, ट्रांसवर्स भी था, ठीक है। ये होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जिसके अंदर
कितने भी सेल्स बन सकें, कितने भी न्यूक्लियस बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी कैपेसिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटीरियल। माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियर बनाएगा, ठीक है। अब ये दो न्यूक्लियस जो बनेंगे ये अपोजिट पार्ट पे जाएंगे। अपोजिट पार्ट कौन सा? एक सेलोजेलन और एक हो जाएगा अपना माइक्रोपाइलर, ठीक है। दो न्यूक्लिएटेड, अब जो स्ट्रक्चर बना है हम उसको बोलेंगे टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर। ये दो न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर फिर माइटोटिक दोबारा डिवाइड करेगा, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, ठीक है। अब एट जो बनेगा हम उसको नाम देंगे एट सेल स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, आपको क्या लिखा हुआ है, थर्ड माइटोटिक डिवीजन गिव राइज टू एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, देखिए काउंट करें हम लोग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेल तो सेवन है और न्यूक्लियस अगर देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एट न्यूक्लिएटेड बट सेवन सेल, क्योंकि सेंटर वाला जो सेल है हमारा पोलर न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सेल फ्यूज़ हो जाते हैं लेकिन इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते, इसीलिए न्यूक्लियस एट रह जाते हैं और सेल बन जाते हैं हमारे टोटल सेल। अब इसमें देखिए यहाँ पे कि जो सेल्स बनते हैं इसमें दो न्यूक्लियस यानी कि पोलर न्यूक्लियस का नाम है, तीन न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं वो बनाते हैं एग अपरेटस, यानी कि एग और उसके साथ दो सेल ये मिलके बनाते हैं एग अपरेटस। वो दो सेल कौन से होते हैं? सिनर्जिड, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो सेल्स जो सिनर्जिड्स के ज्वाइन करते हैं, सिनर्जिड का फंक्शन क्या है? इनका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, बट जो फंक्शन अब तक इनके मेंशन आउट हुए वो यही है कि ग्रोथ करवाते हैं ये पोलन ट्यूब की टुवर्ड द एग, कि एग की तरफ पोलन ट्यूब कैसे जाएगी, उसको ये रास्ता दिखाना कि एग सेल कहाँ पर, उसका न्यूक्लियस कहाँ पर, ये काम होता है सिनर्जिड्स का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, उसके बाद हमारे बनते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। एंटीपोडल सेल ये चैलेंजल एंड की तरफ बनेंगे जिनका न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो मेन एम्ब्रियो सैक का जो एक हम लोग बात करें वैक्यूल स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है उसके बाहर प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर से हम लोग स्टडी करते हैं, ये है हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर यानी कि माइक्रोपाइलर एंड का, ये म्यूसलस का एरिया है, यहाँ पे ये एक मदर सेल एक्ट है, ठीक है। म्योसिस हुई, दो सेल बनाई, मेगास्पोर डायड बन गया, दोबारा से मियोसिस होगी, यानी कि अगर हम बात करें कि मियोसिस का रिजल्ट क्या हुआ, एक सेल से चार सेल, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस यहाँ पे चल रही है, चार सेल बने मियोसिस से हमारे, ये बना मेगास्पोर टेट्रा, ठीक है। उसके बाद एक सेल, कोई भी एक सेल, ये चार जो सेल हैं इनमें से कोई एक सेल एक्टिव रहेगा, बाकी तीन क्या हो जाएंगे यहाँ पे डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच गया वो हो गया फंक्शनल मेगास्पोर या इनिशियल मेगास्पोर, यानी कि वो सेल जो किसके अंदर जाएगा, मेगा गैमेटो जेनेसिस की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा ये बात, माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, फ्री न्यूक्लियर, क्योंकि ये न्यूक्लियस फ्री है किसी भी एरिया के अंदर जाने के लिए, ठीक है। जैसे ही डिवाइड हुआ साइटोप्लाज्म उसके पास आ जाएगा, एक सेल मेम्ब्रेन उसको सराउंड करेगी, सेल वॉल आ जाएगी। उसके बाद दो सेल्स ये दोनों सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर रही हैं, यहाँ पे चार सेल, चार ऊपर चार नीचे, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट करने के लिए क्या होगा कि तीन सेल यहाँ फ्यूज हो गए, तीन सेल यहाँ फ्यूज हो गए, एक सेल यहाँ से फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, एक सेल यहाँ से फ्रॉम द चैलेजल एंड, इसमें चैलेजल एंड ये मेंशन नहीं है, हम लिख देते हैं दिस इज द चैलेजल एंड, ठीक है। यहाँ से फोकस हो जाएगा, एक सेल यहाँ से सेंटर की तरफ जाएगा, एक सेल यहाँ से सेंटर की तरफ जाएगा और ये फॉर्मेशन करेगा सेंट्रल सेल की जो है हमारे पोलर न्यूक्लियस। आप देखिए यहाँ पे एक लार्ज वैक्यूल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जो एंटीपोडल सेल को आउट में रखता है, ठीक है। चैलेजल एंड एंटीपोडल सेल का है, दैट डजंट मैटर कि आप इस डायग्राम को ऐसे रिवर्स में भी बना सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। एंटीपोडल सेल बने, उसके बाद हमारे पोलर न्यूक्लियाई सेल, उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं या सेंट्रल सेल वाला एरिया हो गया हमारा, ये एग सेल है जो फ्यूज़ करके बाद में बनाएगा हमारे सी, ठीक है। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे नारियल का अगर एग्जाम्पल लें, हम लोग जो पानी वाला नारियल हम लोग यूज़ करते हैं कच्चे नारियल, उसमें ऊपर की तरफ जहाँ पे तीन आईज बनी होती हैं इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो एक जो आई वाला है जिसके अंदर हमें सीड मिलता है कभी कभी, वो सीड स्ट्रक्चर होता है हमारा एग का, यानी कि फर्टाइल होने के बाद एग ने क्या बना दिया, सीड। ये दो जो पॉइंट दिखते हैं, दो डॉट्स हमें जो दिखते हैं, ये दोनों डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं सिनर्जिड्स को, ठीक है।
ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, इनका कुछ आगे फंक्शन नहीं होता, सिर्फ पोलन ट्यूब को पहुँचाना इनका काम होता है। उसके बाद है हमारे ये एग सेल के बाद दो सिनर्जी सेल जो इसको सपोर्ट करते हैं। सिनर्जी सेल शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि जैसे ही पोलन ट्यूब की एंट्री हुई, फ्यूजन हुआ, ये डीजनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, हाँ जी ये देखिए यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की ऐसे हुक लगा रखे हैं किसी ने, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम इनको नाम देते हैं फिलीफॉर्म अपरेटर्स का। ये फिलीफॉर्म जो अपरेटर्स होते हैं दिस आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई और माइक्रो विलाई होती है, ठीक वैसे ही हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम होता है पोलन ट्यूब की ईजी पेनिट्रेशन कराना, यानी कि पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करें, उसको ईजिली उसको रास्ता दिखाना कि भी आपको यहाँ से एंटर करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द हुक लाइक स्ट्रक्चर और वी कैन से द फिलीफॉर्म अपरेटर्स। इसके अलावा इनका फंक्शन क्या होगा कि ये इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का ऑफ द मटीरियल फ्रॉम द न्यूसिलस रीजन, यानी कि जो फूड चेन यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, तो न्यूसिलस से फूड को लेना, अंदर देना, फिलीफॉर्म बाहर से लेंगे, वो देंगे सिनर्जिट को, सिनर्जिट पास कर देगा एम्ब्रियो आगे हमारे एग सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो ये स्ट्रक्चर स्टडी किया है दिस इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक, ठीक है। और मोनोस्पोरिक के लिए एक और पर्टिकुलर आपको अगर हम दिखाना चाहें यहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर वर्ड और इनके अंदर आता है अपना, दैट इज़ द जो इनकी डेवलपमेंट होती है, उस डेवलपमेंट के अंदर एक और वर्ड आता है, हियर इट इज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल। ये हमने जो स्ट्रक्चर अभी स्टडी किया था कि एट सेल हैं, सॉरी एट न्यूक्लियस हैं और सेवन सेल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल। 80% हमारे जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनके अंदर यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये है क्या पॉलीगोनम जो है, ये इसको स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लेट अस स्टडी बाय लाइन बाय लाइन। पॉलीगोनम के अंदर एट न्यूक्लियाई हैं बट सेवन सेल हैं, यानी कि तीन माइक्रोपाइलेट की तरफ, दो सिनर्जिक, एक हमारा हो जाएगा एग सेल। तीन चैलेजल एंड की तरफ है, चैलेजल एंड वाले कौन से हो जाएंगे, हमारे एंटीपोडल सेल, एक हो जाएगा इसमें सेंट्रल सेल जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर। इट इज़ फॉर्म बाय वन मियोसिस एंड थ्री माइटोसिस। टोटल प्रोसेस कितना चला, एक मियोसिस का हो जाएगा, तीन हो जाएंगे यहाँ पे माइटोसिस के। पॉलीगोनम एलियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी कि जितने भी एम्ब्रियो सैक हैं जिनके अंदर एट न्यूक्लियस हों, सेवन सेल हों, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं इसके, जैसे पिप्रोमीमा है, पेनीरा है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल जिनके अंदर हमारी शो करते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। लेकिन मोस्ट कॉमन हमारा जो होता है पॉलीगोनम टाइप का होता है, जो ये वाला है अपना, ये देखिए तीन सेल हो गए यहाँ पे सिनर्जिक एंड द टू स्पोर लिखा हुआ है, लेकिन एक्सेल भी बोलते हैं हम इसको, कन्फ्यूजन की होने की जरूरत नहीं है। एक्सेल और द टू स्पोर पोलर न्यूक्लियाई, ये सेंट्रल में हमारा वैक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे एंटीपोडल सेल, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर कि एम्ब्रियो सैक बन गया, एम्ब्रियो सैक के बाद क्या होगा, उसके बाद प्रोसेस चलता है अपना पॉलिनेशन का, ठीक है। आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि पॉलिनेशन क्या होता है, कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज ए पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन के अंदर हम एक पॉइंट यहाँ पे करते हैं कि आप लोगों ने किए थे दो टाइप के पॉलिनेशन, एक होता था क्रॉस पॉलिनेशन, एक होता था सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब कि सेम प्लांट के जो फ्लावर हैं वो उसी को जो है अपना रिप्रोड्यूस कर, उसी को ऊपर पॉलिनेशन करते हैं, अपने स्पर्म्स को जो है शेड कर रहे हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन्स को शेड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के हमारे पास आते हैं दो पार्ट, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिटिनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि जो पॉलन ग्रेन हैं सेम फ्लावर के हैं, सेम फ्लावर के और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं, यानी कि जैसे वीट के अंदर है, पी के अंदर है, राइस के अंदर, कि बिल्कुल क्लोजली जो बंद होते हैं फ्लावर, ठीक है। टोटली हम लोग बात करें कि बहुत क्लोज रिलेशन होती है स्टिग्मा की और एंथर की। नेक्स्ट है इसके अंदर जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी के अंदर क्या होगा कि पॉलन ग्रेन जो हैं वो हैं तो उसी प्लांट के, बट वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक फ्लावर एक प्लांट के ऊपर, जैसे अगर हम लोग मानते हैं, अगर हम मान लें कि भाई एक फ्लावर के ऊपर दो तीन फ्लावर्स हैं अपने, तो इसमें देखें जैसे इसमें दिखा रखा है कि ये पहला फ्लावर हो गया हमारा,
ठीक है, इसके पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, है उसी प्लांट का पार्ट लेकिन फ्लावर चेंज हो गए, दिस इज कॉल्ड एज ए जिटनोगैमी। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन हैं उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी। ठीक है, लोअर क्लासेस तक हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करते थे, अब इसका लेकिन साइंटिफिक नेम हम लोग पढ़ेंगे, वो है जीनोगैमी। एक प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये वर्ड यहाँ पे दे रखा है इंसेक्ट। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि वो एजेंसियाँ जिनके थ्रू पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग और कुछ वर्ड देखते हैं, ये वर्ड दे रखा है जैसे होमोगैमी। होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि द प्रोसेस वेयर एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें लगता है कि भाई पॉलन ग्रेन तो रिलीज नहीं हो रही बट जो स्टिग्मा है वो स्टिकी है। ठीक है, तो ये जो केस है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं और स्टिग्मा भी मैच्योर हो रहा है एक साथ, दिस इज कॉल्ड एज होमोगैमी। ठीक है, अब हम एडवांटेज देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या हैं। एक तो पेरेंटल जो नेचर है वो मेंटेन करके रखता है। आप लोगों ने किया था 10th स्टैंडर्ड के अंदर मेंडल्स की क्रॉस की थी, मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लोग वर्ड यूज़ करते थे कि प्योर लाइन हमारे पास आती है। प्योर लाइन का मतलब कि जो पेरेंट है उसके पूरे के पूरे प्योर कैरेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो वो हम लोग किस प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और एडवांटेज हैं इसके कि जो प्लांट है उसको ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती हम लोगों को। ठीक है, ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली हो जाते हैं। सीड फॉर्मेशन श्योरिटी है कि बिल्कुल होने ही होने हैं। और रिसेसिव जो कैरेक्टर्स हैं, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो अगर हम बात करें इसमें देर का रिसेसिव का, लेकिन डोमिनेंट जो कैरेक्टर हैं पॉजिटिव कैरेक्टर जिनको बात करें वो बढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव कैरेक्टर कम होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कम होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर इंक्रीज ना हो, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इसको लेकर एक टर्म हमारी आती है जो हम लोग चैप्टर नंबर 9th के अंदर स्टडी करेंगे, वो होती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, ये वर्ड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपका, दिस इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, देखो डिप्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सप्रेस करना, कोई कमज़ोरी आ रही है किसी के अंदर। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो प्लांट के कैरेक्टर्स हैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब डिसएडवांटेज के अंदर देख लें हम लोग, यहाँ पे दे रखा है कोई यूज़फुल कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है इंट्रोड्यूस हों, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक है, प्लांट की जो कैपेसिटी इम्यूनिटी की वो डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसके सिंपल हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज जो हैं वो पॉलिनेशन के अपने चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर दे रखे हैं हमारे इसके अंदर, एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे कॉन्ट्रावैक्सिस और द डिवाइसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, कि प्लांट को कैसे पता चलेगा कि भाई उसको सेल्फ पॉलिनेशन ही करनी है। ठीक है, तो इसके लिए बाय नेचर यहाँ पे कुछ चेंजेस अपने आते हैं। जैसे इसके अंदर पहला दे रखा है वर्ड ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं ये वो फ्लावर होते हैं जो क्लोज्ड है, हमेशा बंद रहते हैं, कभी ओपन ही नहीं होते। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे अपना दे रखा है कॉमन लिया का दे रखा है कि इसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो हमेशा बंद होते हैं। जैसे वीट प्लांट के अंदर अगर हम लोग देखें उसका, तो वीट प्लांट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं जैसे कि इस तरीके से इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, तो ये इसके अंदर यहाँ पे फ्लावर होता है तो बंद है ये। ठीक है, दिस इज टोटली क्लोज्ड, तो यहाँ पे श्योरिटी है कि इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। उसके बाद होमोगैमी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद एक और दे रखा है कि सेल्फ पॉलिनेशन किसके अंदर होगी, जिसके अंदर एंथर और स्टिग्मा बहुत क्लोज रिलेशन में है, पास पास है, दूर होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, पास पास है तो होगा उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन। अब प्लांट के अंदर मेल फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि भाई जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो टेक प्लेस करें। ठीक है, भाई प्लांट दोनों प्रेजेंट है लेकिन फिर भी उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा। जैसे आप लोग देखते हैं पपाया प्लांट के अंदर, पपीते के अंदर आप लोग देखते हैं कि भाई उसके अंदर फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट है बट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती। एक पपाया का प्लांट लगाते तो कभी भी वो फ्रूट शो नहीं करता, लेकिन अगर दो पपाया के प्लांट हमने लगाए हैं तो हमेशा फ्रूट शो होता है। ठीक है, तो उसका रीज़न देखते हैं हम लोग। ये
कुछ प्रोसेस होते हैं जो बाय नेचर प्लांट के अंदर होते हैं कि अपनी सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे प्रोटेक्ट करें। डायक्ली या यूनिसेक्सुअलिटी, इसका मतलब मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो सेपरेट है। इसमें एक वर्ड देखो यहाँ पे दे रखा है, दिस इज़ द डाइसियस कंडीशन। ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, डाइसिस के अंदर मेल अलग है और फीमेल जो है वो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइकोगैमी, ये कंडीशन होती है मैच्योरिटी। प्रोटोएंड्री, वो कंडीशन जिसके अंदर एंथर पहले मैच्योर हो जाए, स्टिग्मा बाद में होगा, यानी कि पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो गए लेकिन जो स्टिग्मा है वो मैच्योर नहीं है उसको रिसीव करने के लिए। प्रोटोगाइनी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टिग्मा पहले रिलीज हो रहे हैं, स्टिग्मा जो है वो मैच्योर हो गई है लेकिन पॉलन ग्रेन उसको नहीं मिल पा रही हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसके अंदर खुद के जो प्लांट्स हैं उसको ये आइडेंटिफाई नहीं करते। हम लोगों ने लोअर क्लास के अंदर एक पॉइंट किया था कीमोट्रॉपिज्म 10th स्टैंडर्ड के अंदर, कि भी कुछ पर्टिकुलर केमिकल रिलीज होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, और वो स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करती है, उनके बीच में एक इंट्रैक्शन चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अगर वो सेम स्पीशी के हैं, कंपैटिबल हैं, तो पॉलन ट्यूब बनेगी, नहीं है तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। उस कंडीशन को हम लोग नाम देते सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। लास्ट वन इज कैस्मोगैमस फ्लावर, ये ओपन फ्लावर जिसको हम बोलते हैं एक्सपोज्ड, खुले हुए हैं, बिल्कुल ओपन फ्लावर है। जैसे हमारी हथेली को हम खोल दें तो हमारी पांचों उंगलियां अलग अलग हो जाएंगी, ठीक वैसे ही यहाँ पे एंथर और जो स्टिग्मा है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कुछ एजेंसीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारे पॉलिनेटर्स, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी पहले जिसमें था कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर एक इंसेक्ट लेके जा रहा है पॉलन ग्रेन को, तो कुछ यहाँ पे हम उनकी अब जो है डिफरेंट टाइप्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं अपनी, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन की एडवांटेज की बात करें हम लोग, तो क्रॉस पॉलिनेशन अंडरस्टूड है कि भाई जो डिसएडवांटेज थे सेल्फ पॉलिनेशन के वो सारे के सारे एडवांटेज हो जाते हैं हमारे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा, सेम प्लांट है जेनेटिकली या सिमिलरली जेनेटिकली सेम है उसी प्लांट के अंदर। क्रॉस पॉलिनेशन में दोनों प्लांट जेनेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं मतलब होंगे ही वो डेफिनेटली। इसमें एक्स्ट्रा एजेंसी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जिटेनोगैमी अगर है तो ही चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा एक्सटर्नल एजेंसी की नीड होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, सेल्फ प्रोड्यूस जो होता है प्योर लाइन है, यानी कि 100% जो हम वाइल्ड वैरायटी जो बोलते हैं वो हमें बिल्कुल मिलेगी, इसके अंदर ऐसा कुछ चांसेस नहीं होते, इसके अंदर वेरिएशन आएंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब एजेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं हम लोग, दो वर्ड आ रहे हैं बायोटिक, अबायोटिक एजेंसी और बायोटिक एजेंसी। अबायोटिक का मतलब कि नॉन लिविंग है, बायोटिक का मतलब कि जो हमारी लिविंग एजेंसीज है। तो अबायोटिक के अंदर हमारी आएंगी विंड है, वाटर है, ठीक है। तो विंड से होने वाली को हम नाम क्या देते हैं, एनिमोफिली, जो वाटर से होती है वो हाइड्रोफिली, ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स हैं जिनके मेल और फीमेल पार्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं उनके अंदर एनिमोफिली होगी। जो प्लांट वाटर के अंदर, जैसे वैलेंसिनेरा वगैरह हमारे हाइड्रा वगैरह के जो प्लांट होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं हमेशा, तो उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू चलेगी, अपनी पॉलिनेशन किसके थ्रू चलेगी, उनकी हाइड्रोफिली यानी कि वाटर के थ्रू। उसके बाद है बायोटिक का मतलब कि लिविंग, ठीक है। तो लिविंग के अंदर हम लोग करते हैं इसमें एंटामोफिली आता है, यानी कि बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा हमारा जो इसके अंदर आता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर मोस्टली इंसेक्ट है, वो सभी के सभी एक लार्ज वैरायटी बनाते हैं, तो कोई भी हो सकता है इसके अंदर। ऑर्निथोफिली, ये बर्ड्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो इसमें स्पेशली जो नाम आता है वो आता है हमिंग बर्ड का, द स्मॉलेस्ट बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द चिट्रोफिली बाय बैट्स, चिट्रोफिली बाय बैट्स। अच्छा, बैट्स का नाम तो सभी को अच्छे से याद हो रखा है क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो बैट से ही फैला है, ठीक है। तो वैसे भी याद रहेगा तुम लोगों को ये कि चिट्रोफिलीज जो है वो बाय बैट्स जो है ये फैला हुआ है, अपना बैट्स हेल्प करते हैं, यानी कि नाइट के टाइम पे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट सेंसिटिव होते हैं, जो नाइट को ही ओपन होते हैं इनके फ्लावर्स, तो उन प्लांट के अंदर बैट्स जो होते हैं वो हेल्प करवाते हैं इनका पॉलिनेशन। उसके बाद है मेगालोफिली, मेगालोफिली स्नेल्स वगैरह से होती है। और उसके बाद है मैमेरोफिली, ये आंट्स के थ्रू होती है। इसमें कुछ पर्टिकुलर ही एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके थ्रू ये होते हैं, मोस्टली तो हमारे होते हैं बाय विंड और बाय द इंसेक्ट, ठीक है।
अब इसमें से हम कुछ देखते हैं कि जो हमारे प्लांट हैं एनिमोफिली वाले, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कि भाई बताओ क्या क्या कैरेक्टर्स हैं विंड पॉलिनेशन के, तो आप ये देख सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है, कि जो वर्ल्स हैं नॉन एसेंशियल वर्ल्स, कैलेक्स कोरोला वगैरह जितने भी होते हैं ये ज़्यादा शो ही नहीं होते, पेरियंथ यानी कि जिसके अंदर कैलेक्स कोरोला नहीं है, सिंपल एक ही प्रेजेंट है वर्ल, उसको बोलते हैं पेरियंथ। जो फ्लावर होते हैं डिवाइड ऑफ सेंट एंड नेक्टर्स, कोई सेंट यानी कि खुशबू नहीं होती उनके अंदर, बड़े बेकार से होते हैं, मन नहीं करता उनकी तरफ जाने के लिए, ठीक है। मोनोशेस प्लांट होंगे यानी कि मेल फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होंगे। इनफ्लोरेसेंस यानी कि जिनके फ्लावर की जो अरेंजमेंट है वो पर्टिकुलर होगी इसी पर्पज़ से कि बिल्कुल अलग अलग फैले होंगे, जैसे ही एयर ग्रो करेगी। उनके जो एंथर्स होते हैं, इसमें वर्ड दे रखा है कि एंथर्स आर वर्साटाइल, वर्साटाइल का मतलब कि इसमें अगर हम बात करें कि वर्साटाइल जो होते हैं वो, लेट अस सी एक सेकेंड, इस तरीके से ऐसे होंगे, विंड चल रही है यहाँ से, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट उनका नीचे से हिल रही है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन उनकी इस तरीके से रिलीज होगी, ठीक है। और बहुत एक्सेस क्वांटिटी के अंदर पॉलन ग्रेन जो है ये प्लांट अपने रिलीज करेंगे। उसके बाद जो इसकी स्टिग्मा, जो पॉलन ग्रेन होंगे वो होंगे नॉन स्टिकी, ठीक है। स्टिकी होंगे तो कहीं वो चिपक सकते हैं, तो अगर वो चिपकेंगे नहीं तो स्टिग्मा कैसे रिसीव करेगी, तो उसके लिए स्टिग्मा होती है लार्ज और फेदरी, ठीक है, या बुशी होगी, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होगी उसकी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करें हाइड्रोफिली, तो हाइड्रोफिली के अंदर देखें आप लोग ज़रा ये डायग्राम, ये है अपना वेलस मीडिया, इसमें जो फीमेल पार्ट है वो रिलीज़ कर रहा है पॉलन ग्रेन्स को, सॉरी जो मेल पार्ट है पॉलन ग्रेन को रिलीज़ कर रहा है, फीमेल पार्ट टॉप फ्लोर पे, देखो यहाँ पे बिल्कुल टिप पोर्शन तक जा रहे हैं वाटर के लेयर पे उसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब वाटर के लिए हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्या उनकी कंडीशन होती है वाटर पॉइंटर फ्लावर की, कि स्टिग्मा जो है वो अनवेटेड होगा, स्टिकी हो सकता है, स्टिकी है तो उसके वो म्यूसिलेजेस की लेयर होगी, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स हैं वो लाइट इन वेट होंगे, लाइट इन वेट होंगे तो क्या होगा, वाटर की सरफेस के ऊपर तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर हमारे इंसेक्ट की, इंसेक्ट है तो देखो वर्ड दिख रहा है इसके अंदर नेक्टर होना चाहिए, नेक्टर है तभी वो इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं प्लांट्स की तरफ। दूसरा उसके अंदर ब्राइट कलर होना चाहिए, क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं वो सिर्फ ब्राइट कलर को देख सकते हैं, लाइट को नहीं देख सकते, तो अट्रैक्टिव होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और नेक्टर अगर है तो नॉर्मल सी बात है कि उसके अंदर आ जाएंगे बहुत ईजीली, और नॉर्मली फ्लावर जो हम लोग ग्रुप्स में अकर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें एक यहाँ पे ये मैं आपको जो फोकस कर रही हूँ ये एक यूका प्लांट का दिखा रखा है, ठीक है। यूका प्लांट कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं प्लांट की, मोथ की स्पेशली, ये आप लोग देखें ज़रा ध्यान से देखें कि मोथ एंड द प्लांट यूका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मोथ है वो यूका प्लांट के अंदर अपने जो उसके लोक्यूल्स हैं, देखें आप लोग, द मोथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, उसके लोक्यूल के अंदर डिपॉजिट करती है ताकि उसके जो एग्स हैं वो सेव रह सकें, बच सकें, ठीक है। तो बचाने के लिए उनको रखती है, लेकिन दूसरा काम क्या कर जाती है, वो प्लांट के अंदर पॉलिनेशन करवा जाती है। तो रिलेशनशिप जो है ये इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के अंदर आपकी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली, बर्ड्स की जो मैंने आपको बताया कि भाई हमिंग बर्ड भी हैं, क्रोज वगैरह भी, कुछ और बर्ड्स भी होते हैं, तो ये बेसिकली इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े से ईटेबल होते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं मोस्टली ये, ठीक है। तो ब्राइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऑर्डर हो सकता है इनके अंदर और ऑर्डरलेस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सबकी हम लोग स्टडी करते हैं। आगे है अपना चीटोफिली बैट्स का, ठीक है। तो बैट्स जो हैं ये बेसिकली जिन फ्लावर के ऊपर जाते हैं उनका टेस्ट स्वीट होता है, यानी कि मिठास की तरफ भागते हैं, तो शायद इतनी ज़्यादा मिठास से इसीलिए हम इंसानों में कोरोना वायरस कर दिया। इसमें चीटोफिलस जो प्लांट है वो बेयर करते हैं सिंगल या क्लस्टर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और फॉलिएज का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी डालियाँ सी हो जाएंगी उसके अंदर, जैसे आप लोगों ने लाइकेंस का किया था कि लाइकेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं फॉलिएज टाइप, ठीक है। कदम का पेड़, ये आप लोग देखें इसके अंदर लिखा होता है कदम ट्री एंथोसिफेलस, ये स्पेशली पॉलिनेट होती है बाय द बैट्स। नेक्स्ट है मैक्रोफिली, इसके अंदर सिर्फ ये लेमा यानी कि पोएसी जो फैमिली है अपनी वही इसके अंदर आती है। माइक्रोफिली के अंदर अकेशिया, कीकर यानी कि मिमोसी जो फैमिली है, कांटेदार बबूल जितने भी हैं, बबूल है, कीकर है हमारी, ठीक है,
कीकर आप लोग देखते हैं कि रोडों के ऊपर बहुत एक्सेस के अंदर लगी होती है, रोड साइड्स पे आप लोग देखिए बहुत लगी होती है, बबूल का पेड़। ठीक है, कहावत भी है इसके ऊपर बहुत अच्छी अपनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। तो बबूल जो है वो भी हमारा माइक्रोफिली से रिप्रोड्यूस होता है, यानी कि बाय द आंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर एक ये कुछ पर्टिकुलर मैकेनिज्म्स हैं कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स के। सो सेल्विया जो प्लांट दे रखा है इसके अंदर, ये टर्न पाइप मैकेनिज्म है। ठीक है, इसके अंदर लेबिएशी फैमिली के अंदर होता है, ये स्पेशल मैकेनिज्म है उसका, क्योंकि उस आप लोगों ने एस्टिवेशन के अंदर पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन में कि अलग अलग टाइप्स होते हैं इनके, तो उसके अकॉर्डिंग है। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, ये जैसे तम्बाकू का जो प्लांट होता है टबैको प्लांट, उसकी ऑर्डर बड़ी बेकार सी होती है, तो ये उस ये जो पर्टिकुलर जो प्लांट्स हैं फ्लाइज हैं अपनी, ये उस रॉटन स्मेल को ही ट्रैप करती है, उसी के ऊपर जाके ये अट्रैप। एक और आपका ये इम्पोर्टेंट आ रहा है यहाँ पे ऑर्चिड का, ये वर्ड देखा सूडो पॉपुलेशन, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पॉपुलेशन का मतलब मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। यहाँ पे जो ऑर्फिस स्पेकुला या ऑर्चिड जो प्लांट अपना दिखा रखा है, ऑर्फिस क्या करता है कि वो जब उसके ऊपर जाता है ऑर्किड प्लांट के ऊपर, जो वास्प है जिसका नाम दे रखा है कॉल्पा ओरिया, इसके अंदर जो फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो और ऑर्फिस का जो पेटल है उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है एक जैसे, यानी कि वो उसको लगता है मेल को लगता है कि वो उसकी फीमेल है, बट एक्चुअली वो प्लांट का पैटर्न होता है। तो उसके ऊपर जाता है और इन रिस्पॉन्स प्लांट को क्या कर देता है, वो पॉलन ग्रेन जो वहाँ पर वो रिलीज कर देता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये पॉलन ग्रेन को रिलीज जब करते हैं तो इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पर होती है पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन। जैसे ही पॉलन ग्रेन शेड हुए, ठीक है, आप देख रहे हैं कि सारी की सारी पॉलन ट्यूब जनरेट नहीं हो रही, एक जनरेट हो रही है। पॉलन ट्यूब जैसे ही शेड होती है स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा चाहे कैसी भी हो, तो स्टिग्मा जो है जब वो रिसीव करती है तो यहाँ पे चलता है कीमोट्रॉपिक रिस्पॉन्स, यानी कि केमिकल रिस्पॉन्स चलेगा। ठीक है, ये केमिकल रिस्पॉन्स जब चला तो यहाँ पे दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हुई, सेम स्पीशी का है, यानी कि कंपैटिबल है, स्पीशी की अगर हम बात करें कंपैटिबल है फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ये पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करके इस तरीके से देखिए आप ये एंटर कर रहा है फ्रॉम द लोअर एंड, यानी कि सिनर्जिड के थ्रू से एंटर करेगा। जैसे ही सिनर्जिड के थ्रू से एंटर करेगा, ये देखिए फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स रास्ता दिखा रहा है इसको मेल गैमेट्स को कि भी आ जाए यहाँ से तेरी एंट्री है। ठीक है, जैसे शादी के अंदर किसी भी फंक्शन में जाते हैं या शादी वगैरह के फंक्शन में लोग जाते हैं तो वहाँ पे गेट पे खड़े मिलते हैं हमें दो चार बंदे कि भाई यहाँ आ जाइए आपका स्वागत है आप यहाँ से जाइए। ठीक वैसे ही ये फिलीफॉर्म जो है ये स्वागत कर रहा है दोनों मेल गैमेट्स का कि भाई यहाँ आ जाओ तुम लोग यहाँ से तुम्हारी एंट्री है। ठीक है, ये एंट्री कर रहा है सिनर्जी के पास जाएगा, सिनर्जी को वहाँ फोकस करेगा फिर एग न्यूक्लियस के पास, और एग न्यूक्लियस पे एक मेल गैमेट को देने के बाद दूसरा मेल गैमेट जो है वो एंटर करेगा कहाँ पे, पोलर न्यूक्लियस के पास। ठीक है, ये हमारी होती है सिंपल पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है, ये बात ज़रूरी नहीं है कि पॉलन ट्यूब जो है वो एंट्री करे सिर्फ माइक्रोपाइलर रीजन से, वो कहीं और से भी एंट्री कर सकती है, भाई मनमर्जी है उसकी, क्यों करे एक जगह से एंट्री। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आप लोग को मैं फिगर दिखा रही हूँ, पॉलन ट्यूब अगर एंट्री करती है माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है, तो ये कहलाती है पोरोगैमी। एंटर करती है ऊपर से चलजा से आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर किया था, उसमें अलग अलग थी, कोई इन्वर्टेड था कोई स्ट्रेट था कोई रिवर्स था, अगर ऊपर से एंटर करके आ रही है चलजा से आई और होती हुई एंट्री करेगी माइक्रोपाइलर के पास, दिस इज कॉल्ड एज ए चलजोगैमी, दोनों एंड को छोड़ के। ठीक है, अगर हम बात करें चलजा भी छोड़ दिया उसने, माइक्रोपाइलर एंड भी छोड़ दिया, उसका मन किया वहाँ से उसने एंट्री करी, लेकिन एंट्री कहाँ पर करी है बाद में जाएगी माइक्रोपाइलर एंड, लेकिन ये पॉलन ट्यूब की डेवलपमेंट ये एंट्री कहाँ से हुई है, इंटेगुमेंट्स के साइड से, इसको नाम दिया जाता है मीजोगैमी का। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारी होती हैं। अब लोअर क्लासेस में आप लोगों ने एक वर्ड किया था डबल फर्टिलाइजेशन, कि भी जब प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो हम उसको नाम देते हैं कि प्लांट के अंदर हो रही है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे होती है, कुछ आइडियाज़ तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर ही किया था, थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा से इसको। जैसे ही पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई, एग सेल के पास एक मेल गैमेट रिलीज हुआ,
एक्सेल के पास एक मेल गैमिट आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो मेल गैमिट ने फ्यूज किया, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, जैसे ही वो फ्यूजन करता है तो उसका हमारा, चलिए यहीं पे देखते हैं इसको। यहाँ पे मेल गैमिट आया, ठीक है, ये मेल गैमिट ने यहाँ पे एंट्री कर दी। तो एक्सेल और मेल गैमिट ये तो बनाएगा जाइगोट, ठीक है जी। हम इसको बोलते हैं सिन गैम कर दी इसने, यानी कि फ्यूजन हो गया सर। यहाँ पे पोलर जो न्यूक्लियाई है, एक मेल गैमिट किसके पास भी आ गया, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई के पास कितने न्यूक्लियस हैं, दो, यानी कि एक हैप्लॉइड दूसरा हैप्लॉइड। एक मेल गैमिट और आ गया, वो भी हैप्लॉइड है, कितने हो गए, थ्री। तो हम कितना लिखेंगे इसको, थ्री एन, यानी कि ट्रिपल। तो इस फ्यूजन को हम लोग किसका नाम देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन का, ठीक है। और क्योंकि दोनों एक साथ चल रही हैं, सिनगैमी भी हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन भी हो रही है, कंबाइनली हम इसको किसका नाम दे देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब एक वर्ड और सुना है आप लोगों ने, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम लोग, भी हमारी मर्जी हमने कौन से प्लांट को ग्रो करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए एक और टेक्निक होती है अपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देखिए एक वर्ड देख रहे हैं आप लोग, इमैस्कुलेशन, ठीक है, थोड़े से टिपिकल वर्ड आ जाएंगे, फिर क्लासेस बढ़ रही हैं तो वर्ड्स भी थोड़े टिपिकल आने शुरू हो जाएंगे आपके। एंथर्स को जब हम रिमूव कर देते हैं एक बाइसेक्सुअल प्लांट में एक फोरसेप की हेल्प से, तो हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं इमैस्कुलेशन। जो एंथर हमने हटाई हैं, उनको एक छोटा सा पॉलिथीन बैग लिया, उसके अंदर डाला और उनको पैक करके साइड में छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो वो जो पैक करे हैं उसको नाम दिया जाता है किसका, बैग। जैसे ही पॉलन ग्रेन मैच्योर हुए और हमें लगता कि भाई हाँ हमारी डिज़ायरेबल जो स्टिग्मा है उसके ऊपर हमें अब इसको शेड करवाना है, तो हम क्या करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर भी जो है फॉइल पेपर की लेयर्स लगा देते हैं या थिन कोई पेपर की लेयर, टिश्यू पेपर की लेयर कर देते हैं, ताकि उसकी जो अपर लेयर है जो कीमोट्रोपिज्म शो करती है वो रिमूव हो जाए। तो उसके बाद केमिकल प्रोसेस जो होता है वो ईजिली चल सकता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी सारों की डस्टिंग करते हैं, यानी कि जैसे एक मैट से हम लोग झाड़ते हैं तो सारा डस्ट नीचे गिर जाता है, ठीक वैसे ही हम बैग ओपन किया और वहाँ पे जितने भी हमारे फ्लावर्स रखे उनके ऊपर डस्टिंग करते थे, छिड़क देते हैं ऐसे एक साथ, ऐसे छिड़क दें, ठीक है, ऐसे झाड़ दिया उनके ऊपर, तो वो पूरे के पूरे जो फ्लावर हैं वो एक साथ में क्या हो जाएंगे, रिसीव कर लेंगे किसको, पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। और हमारा प्रोसेस हो जाएगा वो फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कम्प्लीट। ये देखो डबल ट्रिपल फ्यूजन का दिखा रखा है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन आपको बता दिया, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन जो बनेगी हमारी, यानी कि एक पोलर न्यूक्लियर और एक मेल गैमिट, ये बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो मैंने आपको बताया था कि जो एंडोस्पर्म है, जो नारियल का पानी होता है हमारा, कच्चे नारियल का पानी, वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जनरेशन में प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दैट्स ओके फॉर टुडे।